हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। दोस्तों, गुमे किसी के प्यार में आने वाला है बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, आप सभी को जैसा कि पता है कि उसमें एक लीप आने वाला है, एक छोटा सा लीप, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। जैसे कि रीवा ने ईशान से 1 मंथ का टाइम मांगा है, तो उसी टाइप का थोड़ा उससे और आगे, तो इतना सा लीप आएगा। बट इस लीप के बाद आपको देखने को क्या मिलने वाला है? इस लीप के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सभी जो है वो ईशान की लाइफ से जा चुकी है और रीवा ईशान की लाइफ में आ चुकी है। कि उन लोग की शादी होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना जरूर है कि मतलब रीवा और ईशान साथ में रहते हुए नजर आएंगे, जैसा कि पहले हमने देखा था। ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसके पहले घूमे किसी के प्यार में लीप के बाद जैसा हमें देखने को मिला था, उसी टाइप का इस बार भी देखने को मिलेगा। बट मुझे इसकी उम्मीद थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि पहले सई की लाइफ में कोई और नहीं आया था और इसमें यह है कि सभी की लाइफ में कोई और रहेगा, मतलब उसके साथ किसी और की एंट्री होने वाली है, जो कि है करण सिंह बोहरा, जिनकी एंट्री होने वाली है सभी के साथ। तो ये दोनों एक साथ आपको नजर आएंगे, मतलब एज अ फ्रेंड कि हाँ साथ में लोग काम कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। और उसी के दूसरी तरफ हमें ईशान जो है वो रीवा के साथ नजर आएगा। तो ये स्टोरी जो है वो कुछ मैसी टाइप की है, कुछ कंडीशन होगी जिसमें फिर से ईशान और सभी मिलते हुए नजर आएंगे। सो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।